लायक है जब तक प्रकृति के लिए और समाज के लिए जितना भी काम किया जाए इंसान के लिए मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि हम लाइफ टाइम अपने लिए कमाते और गरीब लोगों के लिए जब सोचते हैं तो अपनी कमाई का उतना भी उनसे बन सके ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए योगदान कर अवार्ड रखा गया है। सबसे पहले आप बताएं आप खुद कितने एक्साइटेड हैं जैसे लेके। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो हेल्थ के प्रति एंड समाज के प्रति जो लोग सोचते हैं उनको मैं सम्मान दे करके और उनको हौसला अफजाई करने का एक हर साल एक काम होता है और मैं चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों से सीख ले और इसे 10 times ज़्यादा उनकी हौसला को हम बुलंदियों के शिखर पर लेके जाएँ और वो भारत के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सके। ये हमारा हमेशा प्रयास रहती है जिसमें हमारे भाई हमेशा साथ देते हैं जिनका नाम है डॉक्टर कुश। सर आप ऐसे ऐसे जब अवार्ड्स होते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसा करते हैं ऐसे अवार्ड्स की कितनी हमारे देश को या हमारे समाज को ज़रूरत होती है एक्चुअली। तो अवार्ड से एनकरेजमेंट मिलता है और जो अच्छा काम करते हैं समाज में उनको थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है और उनको थोड़ा सम्मान मिलता है तो उनको थोड़ा और मोटिवेशन होता है और अच्छा काम करें। और कई सालों से आप डॉक्टर धर्मेंद्र को जानते हैं आप लोग जुड़े हुए हैं कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में डॉक्टर धर्मेंद्र के बारे में कैसी शख्सियत है डॉक्टर धर्मेंद्र। बहुत प्योर इंटेंशन से बहुत नेक नियत से वो ये काम करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं और हमेशा अच्छे लोग को सम्मानित होते हैं और इनके अवार्ड में इतने सालों से बहुत लोग सम्मानित हुए और वो लोग बहुत आगे भी बढ़ गए उसके बाद। धर्मेंद्र सर 14 सालों से यूँ कहूँ कि ये जो अवार्ड आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो इसका रूप इसका स्वरूप कितना बदला है और क्या कुछ तब्दीलियाँ आपने देखी इन 14-15 सालों में। देखिए इंसान को एक मानसिक रूप से डेवलप होना बहुत ज़रूरी चीज़ है और मेरा ये कोशिश रहता है कि हमारे जूरी के माध्यम से ऐसे लोगों को जो कि उनको सम्मान देने से उनके अंदर इतनी जुनून जिज्ञासा बढ़ जाए और इस देश को और अपने लिए और सोसाइटी के लिए एक बढ़ चढ़ करके हिस्सेदार बन सके इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी और हमारी टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि हम उनको इन सोसाइटी से निकाल करके लेके आए और उनको ये सम्मान दे करके उनकी हौसला अफजाई करने में हमारी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे जितने हमारे साथ एसोसिएटेड लोग रहते हैं उनके तरफ से उनको मनोकामना को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक कोशिश रहती है क्योंकि एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर है जिसमें एक और हमने ब्रांचेज बनाए स्वस्थ जिंदगी जी स्वस्थ जिंदगी का एक ही नारा स्वस्थ हो देश स्वस्थ भारत हमारा स्वस्थ वो भारत देश हमारा यस। तो हिंदुस्तान में वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे बड़ा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है और अभी भी तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग अभी भी हेल्थ से इतने अच्छे अवेयर नहीं हैं और हेल्थ पे इतने काम नहीं करते हैं जिसके चलते समय से पहले उनका मृत्यु हो जाती है समय से पहले बहुत तकलीफ से जूझते हैं और पैसा के अभाव में जो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार नहीं पाते हैं जिसके लिए हम लोगों ने जो स्वस्थ ज़िंदगी एक जो टाइटल दिया जिसके तहत हम लोग इतने बड़े लेवल पर कैंप करते हैं जिसका नतीजा है कि भारत सरकार गिनीज बुक की टीम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया है और सवारा है और हमारी कोशिश रहती है कि एक दिन में हज़ारों की तादाद में डॉक्टर को बुला करके लाखों की तादाद में पेशेंट को देख करके और उनको अच्छी से अच्छी मेडिसिन हम देने की कोशिश करते हैं जिसमें बोकार्ड फाउंडेशन हमेशा हमारे साथ में रहता है और हम कोशिश करते हैं क्योंकि जो सोच नहीं सकते हैं कि इस लेवल की उनको मेडिसिन लेकर के उनको स्वस्थता की तरफ लेके जाए स्वस्थ भारत बनाने की तरफ लेके जाए जिसका ये हमारे पहल रहता है और पहल को हम ध्यान में रखते हुए हम उन गरीबों तक हमारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर पहुंच करके और कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनको स्वस्थ ज़िंदगी
देने में, स्वस्थ जिंदगी बनाने में हमारा एक इसका एक अगला पहल रहे और हमारी कोशिश रहे कि जैसे यूरोपियन कंट्री में जितने लोग स्वस्थ हैं उसी तरह उससे बेहतर जीवन यापन, स्वस्थता के रूप में जागरूक हों और स्वस्थ हों, ये हमारी एक कोशिश रहती है। और इसमें कोशिश करते हैं कि वहाँ जितने लोग सपोर्ट करते हैं या उसे तालमेल रखने वाले, वहाँ से हम डॉक्टरों को भी करते हैं और अलग अलग सोसाइटी के लोगों को हम हमारी टीम को सेलेक्ट करते हैं और इस मंच पे लाकर के उनको सम्मान दे करके अलग अलग वर्सटाइल फील्ड में और उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बड़ा नोबल कॉज है जो आप कर रहे हैं, आपके जो साथ हैं जो लोग जैसे ग्रो वैल्यू जैसे जो लोग हैं जो आपके इस ग्लोबल कॉज में आपके साथ खड़े हैं, उन्हें आप कुछ नेम करना चाहते हैं? देखिए, कहते हैं कि इंसान जब चलना शुरू होता है अकेले ही चलता है, कारवा बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही आज से 20 साल पहले इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे डॉक्टर जैसे हमारे साथ आए और ग्रो वैल्यू जैसे साथ आए और इस तरह से काफ़ी जिस रूप में जिस जो जो जुड़ना चाहता है जुड़ते हैं और हमारे इस नोबल कॉज को एक भारत को स्वच्छता की दिशा में लेके जाने का एक हमारा एक पहल होता है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुकाम को हम और आगे लेके जाएं और भी सारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आकर के हमें इस तरह से सम्मानित करें एंड आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुँचाएं कि स्वस्थ रहना कितनी ज़रूरी चीज़ है अगर भारत को स्वस्थ रख देखना है। सर, मैंने प्रेस नोट देखा, फिल्म जगत का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, एक आईने का काम करता है और जिसके लिए हमें प्रोफेशनल के साथ में, इंडस्ट्रीज के साथ में हमें कहीं ना कहीं हमें उनको भी जोड़ के रखे कि उनकी बातों को लोग और समाज बहुत ध्यान से देखता है और उसे अमल करने की कोशिश करता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड की जो भी मेल फीमेल सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेस जो सेलिब्रिटी है उनको हम इस मंच पर लाएँ और उनके को भी एजुकेट करें ताकि वो हमारे हिंदुस्तान को मैसेज दें कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप आए और इस मंच पर जुड़ें और अपना सपोर्ट दें और एक भारत को स्वस्थ जिंदगी बनाने में, भारत को स्वस्थ भारत बनाने में एक अपना एक हम योगदान रखते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छे अच्छे इवेंट्स किए हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा अच्छा ही काम करते ही रहते हैं, तो मैं कोशिश में रहती हूँ कि हर बार जब भी इनका प्रोग्राम हो इनके इवेंट में शामिल हो जाऊँ और मुझे खास तौर से इन्होंने इनवाइट किया है सम्मानित करने के लिए, तो फिर इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं जो ये सम्मानित किया जा रहा है यंगस्टर्स लोगों को और मैं आपकी बहुत सारी शुभकामनाएँ धर्मेंद्र। फिटनेस के लिए सबसे फर्स्ट फंडा ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रख सकते हो उतना खुश रहो और रखो और अपने आसपास का वातावरण जो है, ग्रीनरी जो है, जो नेचुरल एयर से हमें मिलती है उसको आप कभी खत्म मत होने दो। बहुत सारे पेड़ पौधे लगा और अपने आसपास का वातावरण स्वस्थ। अगर मैं कल से बहुत खुश रहूँ और गन्ने के खेत में जाके बैठ जाऊँ तो मेरा वजन कम हो जाएगा? ऑब्वियसली गन्ने के खेत में भागना और गन्ना चूस लेना बहुत अच्छे से वेट कम होगा। नहीं, वो स्लिम रहने के लिए क्या करते हैं, फिट रहने के लिए क्या करते हैं? स्लिम रहने के लिए सबसे पहले सुबह का वर्कआउट जरूरी है। मैं अपने लिए नहीं, अपने लिए पूछ रहा हूँ। सुबह के लिए वर्कआउट जरूरी है, आप जितना भाग सकते हैं आप 5 किलोमीटर रोज भागिए। हाँ, जितने भी लोग हैं 5 किलोमीटर रोज भागिए, बहुत सारा पानी पीजिए, जूस पीजिए, लिक्विड में जितना पी सकते हैं और क्या, और खुश रहिए। ये सब थैंक यू। मैं महेंद्र जी से आर के एच एव एड्स के जो रिसर्च फाउंडेशन हमारी जो संस्था है उससे जुड़ा हूँ। आई एम ऑन द एडवाइजरी कमेटी, आई एम डायरेक्टर और मैं खुद एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते ये मेगा हेल्थ कैंप जो हम लगाते हैं उसमें बड़ा मैं योगदान देता हूँ क्योंकि मैं राजीव गांधी जीवनदायी स्वास्थ्य योजना पे महाराष्ट्र का 400-450 इंचार्ज रह चुका हूँ। तो BPL दारिद्र रेखा के जो लोग हैं जिनके पास येलो या ऑरेंज रेशन कार्ड है उनके लिए बाईपास, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर ऐसी 971 किस्म की बीमारियाँ
बड़े बड़े फाइव स्टार प्राइवेट अस्पताल के जरिए हम मुफ्त में कराते हैं। इस योजना के माध्यम का फ़ायदा हम मालाड मालमनी के कैंप में या हर जगह सूरत में जहाँ जहाँ या आर के एच आई एड्स के जरिए जो कैंप लगाए जाते हैं मेगा हेल्थ कैंप, उसमें मैं योगदान देता हूँ। और मैं लोगों को कहता हूँ कि बीमारी से ज़्यादा होता ना, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द सीन देर इज़ नो नीड ऑफ मेडिसिन, यू हैव टू चेंज द लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बदलो और बीमारी भगाओ। डॉक्टर से दूर रहने के लिए हम समाज में काम करते हैं। सो ये हम स्वस्थ भारत और एकदम निरोगी भारत के लिए, स्वस्थ इंसान के लिए, हम क्योंकि झोपड़ी के आम इंसान के लिए हम काम करते हैं। तो आर के एच एम एड्स जो ये जो संस्था है, ये कैंप के जरिए 15-20 हज़ार मुफ्त में हम चश्मे बंटवारा करते हैं। तो ये संस्था से जुड़े रहना एक गर्व की बात है। मैं तो सरकारी में 35 साल काम करने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद भी मैं मुफ्त में सभी योजनाओं का फ़ायदा आम इंसान को करने से जुड़ा हूं। तो मुझे गर्व है कि आर के एच आई एड्स ये संस्था जो इस विभाग में जो भारत के कोने में जो काम करते हैं उनको एक्सेलेंस अवार्ड देके, उनको सराहना करके, उनका हौसला बढ़ा के, उनको जीवन में अच्छा काम करके और लोगों को मदद करने का जी एक कीड़ा उठाया, उसके लिए प्रेरणादायी ये संस्था है। तो मैं चाहता हूँ कि सब अवार्डियों का मैं बधाई देता हूँ और जिनको नहीं मिला उनको और अच्छा काम करने की मैं प्रेरणा इस कार्यक्रम से जरिए ले, ऐसे में शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, एन जी ओ इनका बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, यूथ इंडिया जो अपना यंग है उनको यही कहना चाहूँगा कि नशों से दूर रहें और स्पोर्ट्स में आगे आएँ और डाइट का अपना ध्यान रखें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि छूने से तो कुछ नहीं है। वो लोगों के दिल में बहुत एक भयम है एक ना कि किसी को छू लिया हमने ऐसे हो किसी को एड्स वाले को या किसी को तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन लोगों को तो और गले से लगाना चाहिए और हक करना चाहिए, उन लोगों को एक नई दिशा दिखानी चाहिए, एक यूथ को आगे आना चाहिए। हिट होने का तो यही मकसद है कि अपने टाइम से उठिए और अपने डाइट का पूरा ध्यान रखिए और नशों से और अपना गुटखा तंबाकू वगैरह से दूर रहिए और अच्छी डाइट लीजिए और अपने टाइम टेबल का अपने जीवन में एक शेड्यूल जरूर बना के रखिए। जी मैं अक्सर बोलता हूँ और अपने चैनल में भी अपने वीडियो में भी बोलता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आइए और खाली पावर लिफ्टिंग ही नहीं और भी बहुत स्पोर्ट्स है, मैं खाली पावर लिफ्टिंग ही नहीं हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता हूँ इंडिया के, क्योंकि सब स्पोर्ट्स मैन ही एक देश के लिए शान होती है और एक देश के लिए अच्छा होता है। तो सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सब आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, डाइट और अच्छे रहें। Well, RK National Excellence Award is one of the most prestigious awards and I am really thankful to them if they honor me with the National Award. I think this is so, so beautiful. कि आप इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए आपको अवार्ड मिलता है और उसमें आर के नेशनल एक्सेस अवार्ड इज फैबुलस। यस डेफिनेटली हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई फील वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी बिकॉज आई थिंक डांस फील्ड को डांस को जो भी मौका मिलता है कहीं पर भी इस चीज़ के लिए आई एम ऑलवेज देयर एंड आई वांट टू थैंक यू। चाहते हो आप इस अवार्ड शो के बारे में डॉक्टर धर्मेंद्र के बारे में? पहली बात तो मैं कॉन्चुलेशन सबको कहूँगी जिनको मिल गया है और जिनको मिलने वाला है, क्योंकि अभी मैं आगे मुझे प्रोग्राम में आई हूँ और डेफिनेटली इनको ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी आगे जोरों शोरों में बढ़ रहे हैं। इसका आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ था शायद जब मैं आई थी और अब सडनली मैं 14 में आ रही हूँ, तो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है और मैं चाहूँगी कि आने वाले जितने बाद में के और जो मैं आऊँ और वैसे ही मुझे सम्मानित करें और मैं भी करूँ।
हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी सारी बातें, बड़े सारे डॉक्टर्स आए हैं जो कि रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनके इस काम को आप कैसे नोटिस करते हो या कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? सबसे पहले तो कहावत ही है, पैसा आपके पास कितना भी, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो वेल्थ आपके किसी काम का है। तो ऑब्वियसली ये हेल्थ को, अगर आपको वेल्थ चाहिए लाइफ में तो आपको हेल्थ वाइज एकदम स्ट्रॉन्ग होना। आई एम वेरी श्योर कि लोग इसको आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज आपके दिन में जहाँ भी देखती हूँ वहीं पर कभी पावर योगा देखती हूँ मैं, कभी कुछ एक्सरसाइज देखती हूँ, कभी हॉट योगा देखती हूँ, यू नो। तो सभी आई मीन बहुत चिंतित है इसके लिए और मैं भी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Really a proud moment for me, first of all to get a silver medal for India in a big Asian Games, which is like, and especially in sailing, like sailing is not a very important sport for anyone else, but if it will be, you know, for me, for other people to know about sailing and what sailing benefits, and it's a great sport to learn. So I'm just wishing that with this medal I can teach upcoming generation about what sailing is and take this profession as, you know, ahead and to get more medals for India. Thank you, man. हड़ताल में वो हजारों लाखों के लोगों को जो मेडिसिन है वो देने के संबंध में भी मतलब काम करते हैं, इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको जो अवार्ड है अवार्ड देने के संबंध में भी मतलब वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। तो आज उनके प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मौका मिला और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उनको मतलब जो सुपर स्टार होता है जो उसी तरह का जो अवार्ड देकर वो सम्मानित करने का प्रोग्राम आज यहाँ नोवाटेल होटल में हो रहा है, तो सभी जो अवार्ड है उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हम सब लोग देश की एकता के लिए काम करते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत, समतावादी भारत, एकतावादी भारत खड़ा करने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे, हर एक के सुख दुख में सम्मिलित हो जाएंगे और यही अपनी ज़िंदगी का अर्थ होता है। अपनी ज़िंदगी खाली अपने लिए होती नहीं दूसरों के लिए होती है और यही डॉक्टर साहब जो सभी लोगों को इसी तरह का अवार्ड दे रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा पहल है और इसीलिए मैं सभी अवार्डी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। यंग इंडिया सुपर स्टार के लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं और उनको इतना अच्छा सम्मान देकर के उनके हौसले को अफजाई करना है ताकि वो लोग भी अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक अच्छा कार्य कर गुजरने में एक उनका बहुत बड़ा रोल हो सके। हमारी शुभकामना। विनोद जी से जानना चाहते हैं हम। सर विनीत जी सॉरी सर, कुछ आप कहना चाहते हैं? अभी रामदास अथावले साहब आए थे, बहुत सारी तारीफें करके गए आपके इस आयोजन के बारे में, अब तक जो पूरा आयोजन हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे कई मिनिस्टर आएंगे, सब चीज़ लोगों को मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, मगर डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो काम एक अलग चीज़ है, उसके लिए हर आदमी डॉक्टर साहब को प्रेस करता है। डॉक्टर साहब एक अलग लेवल के सम्मानित आदमी हैं और जो समाज के लिए सोचते हैं और समाज के लिए करते हैं। जब मिनिस्टर्स तारीफ़ें करते हैं, जब फिल्म स्टार्स तारीफ़ें करते हैं तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या यूँ कहूँ कि जो हौसला अफजाई होती है वो कितनी ज़्यादा होती है और कितने मायने रखती है आप लोगों के लिए? वो लोग समाज के लिए एक अलग रूप से कार्य करते हैं, अलग रूप से लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और हम लोग जो काम करते हैं वो अलग रूप से काम करते हैं। नेशनल अवार्ड्स आज यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, एम्पल मिशन इसके साथ एसोसिएटेड है, कुछ इस एसोसिएशन के बारे में, इस अवार्ड फंक्शन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? यार डॉक्टर धर्मेंद्र जी के लिए जितना बोलो उतना कम है, ये अपने आप में एक मिसाल है। आज जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं मुझे लगता है मुझे भी शायद एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इस चरम सीमा तक पहुंचने के लिए। ये अपने आप में काबिल तारीफ है, ये जिस तरीके से मुहिम उन्होंने उठाया मेडिकल कैंप्स का, इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अनबिलीवेबल, समथिंग
which one should learn to take things forward in the right direction is what Dr. Dharmendra Saab is trying. सर एम्पल मिशन के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें जरा सा। एम्पल मिशन यार एक छोटी सी संस्था है वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट डिफरेंट कॉजेज डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लाइफ। हम चार शोज करते हैं साल में, अवार्ड शोज नॉट रिलेटेड टू फिल्म बट फिल्मी हस्तियों को वहाँ बुलाते हैं उनको उन वीरों को सम्मानित करने के लिए। चार शोज करते हुए आपको टाइम हो तो बोलो नहीं तो जी प्लीज गो ऑन सर प्लीज। द फर्स्ट वन व्हाट वी डू इज कॉल्ड द शूवीर अवार्ड्स। इट्स फॉर अ कॉमन मैन वी आर डूइंग समथिंग अनकॉमन समथिंग ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर सोसाइटी एट लार्ज। द सेकंड वन इज अवार्ड्स जिंदगी के दैट इज अगेन फॉर द मार्टियर्स ऑफ द नेशन उन वीरों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट फ्रॉम द आर्मी फ्रॉम द पुलिस एंड फ्रॉम द नेवी। उनके परिवारों को इकट्ठा करके उन परिवारों को सम्मानित करते हैं। ये बेसिकली एहसास दिलाने के लिए हम सबको कि आज जो हम चैन की सांसें ले रहे हैं हम जो शांति के साथ जीते हैं हम वो इनकी बदौलत है। तीसरा शो करते हैं हम इट्स फॉर भारत प्रेरणा अवार्ड्स। इट्स फॉर द साइलेंट हीरोज ऑफ लाइफ द डेम द डेफ द ब्लाइंड पैरालंपिक्स बट फनकार अपने आप में जिन्होंने देश को अपने आप को एक गौरव दिया है उन वीरों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके उनके बारे में जिक्र करते हैं। सर इसके इन सब के अलावा भी केरला फ्लड्स में जो विक्टिम्स हैं उनके हेल्प के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की और बहुत सारे काम किए गए, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे। काम करके काम पीछे हरियाणा वही बैठे हैं और कामों का डिस्कस ना करें तो बैठे ठीक है। ये ज़रूर कह सकती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज वेयर एवरी बॉडी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स हेल्दी इंडिया और जितने भी यंग लोग हैं वो इस पर अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है बिकॉज हमारा आज जो हमारे आज के छोटे हैं वही हमारा कल है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग विच एवरीबॉडी इज़ डूइंग। ग्रेट क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए काम कर रहे हो और दूसरों के लिए काम करना इज समथिंग जो कि आप अपने लिए ही अर्न कर रहे हैं फॉर योर यू नो ऊपर के लिए। सो दिस इज ग्रेट थिंग एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट डू सच थिंग्स फॉर ओके। आज अवार्ड भी दिया जा रहा है आपके फैंस ने काफ़ी वर्क किया उनके लिए आप इट्स ऑलवेज अ हैप्पीनेस जब भी कोई अवार्ड आपको मिलता है तो बिकॉज अवार्ड अवार्ड की हैप्पीनेस ही अलग होती है। सो यस वही एक्साइटमेंट है। ओके आपका सॉन्ग भी आने वाला है उसको लेकर कितने एक्साइटमेंट है काफ़ी सोशल मीडिया में वर्क हो चुका है। सोशल मीडिया हैज़ आई डोंट नो व्हाई इतना ज़्यादा उसको हाइप कर दिया है पर ठीक है इट्स अ हॉट ट्रैक एंड मी एंड आदर फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग समथिंग रिलीज की मी एज हॉट सो आई एम एक्साइटेड आई वांट ऑडियंस ऑल्सो बहुत बहुत बधाई हो हर साल ऐसे ही करते रहे और यंग लोगों को अवार्ड देते रहे आप वहाँ पर बुलाते रहे। बिल्कुल कि नर्स सेवा नारायण सेवा है तो ये बहुत बड़ा काम है जो नीचे तबके के लोग हैं जो हेल्थ केयर ना कर पाते हुए इसका लाभ उठाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी पहल है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इसके बारे में सर भाई मैं डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने मुझे बुलाया है और ये अवार्ड हर साल वो रखते हैं और इसके लिए मैं आ भी जाता हूँ मित्री है और इसके लिए मैं बहुत सारी बधाइयाँ उनको देना चाहता हूँ और अच्छी बात है एक्सलेंस के अवार्ड सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट लोगों से
को देने ही चाहिए और अच्छा कार्य कर रहे हैं. एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर. नहीं सर, थैंक यू. एक मिनट कि मैं ही कर रही थी. वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है. काफ़ी गरीब लोग होते हैं जिनके पास मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास होता नहीं है. एक जो NGO डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया धर्मेंद्र जी ने, तो काफ़ी इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं, आम जनता जुड़ी जुड़ी हुई है, बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, तो वो एक हेल्प मिल रही है सबको. तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इनके साथ जुड़ के एक आम पब्लिक की हेल्प कीजिए जिनको हेल्थ इशू जैसी प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू. ठंडा यार. ओए मैं सिंगल सिंगल सोलो सोलो. अर्जुन मेकअप वीडियो ना. मैडम कुछ कहना चाहते हो आप ऐसे अवार्ड्स के बारे में जो सोशल कॉज से जुड़े हुए होते हैं? मुझे भी अवार्ड मिल रहा है तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ऐसे अवार्ड्स होना चाहिए बिल्कुल. जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर धर्मेंद्र आप उन्हें जानते हो? बहुत ये सैम प्रोमी है. मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ. मैं कहा कि डॉक्टर धर्मेंद्र ये पिछले 14 साल से इस तरह के अवार्ड कर रहे हैं और हेल्थ को लेकर बेसिकली बहुत सारे कैंप्स करते रहते हैं डॉक्टर्स को. आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? वो मेरे बहुत अच्छे बहुत टाइम से दोस्त हैं और मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे कैंप करते हैं और लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, चाहे कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़. अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है. आपको लगता है और सारे डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए और बेसिकली जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो रूरल एरियाज़ में रिमोट एरियाज़ में या गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही वहां पहुंचने के लिए ऐसे और भी डॉक्टर्स को कहां आगे आना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना वक्त की बात होती है. ट्रीटमेंट को अंशु जी आपका जो शो आ रहा है उस पर काफ़ी आपने धमाल मचा दी है और आपके जो रूप को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसको लेके कुछ बताना चाहिए आप? जी बड़ा अच्छा सा रोल है. मतलब मुझे ऑफर बहुत सारे हुए थे लेकिन मैंने ये सिलेक्ट किया बिकॉज एक तो नेगेटिव के साथ ये बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा है और जो इसमें जो पूरा मेरा लुक दिया बड़ा अच्छा सा, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल और बड़े झुके टाइप के थे, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे. मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ. एक्चुअली मुझे एक्टिंग नहीं आता था सही तरीके से, लेकिन वो सेट के लोग इतने अच्छे हैं, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन इतना अच्छा है कि उन्होंने 7 दिन में मुझे सिखा दिया है कि भाई कैमरे के सामने कैसे एक्ट करना है क्या करना है. तो कुछ परेशानी हो इतना मेकअप उसमें आप अलग अलग? नहीं मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, वो बहुत ही कम रहता है और लेकिन ज्वेलरी बहुत हैवी रहती है. ओके इसके अलावा बिग बॉस ने आपकी लाइफ चेंज कर दी है, बिग बॉस 12 आने जा रहा है, क्या कहना चाहिए उसको? बिग बॉस 12 में तो मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी, जब मेरे पकड़ तो पूरा होना नहीं है. सलमान सर से बात कर ली आपने? कर लेंगे. ओके आपकी जो फ्रेंड है हिना खान वो कसौटी जिंदगी की कर रही है शो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके अलावा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया मेडिकल फैसिलिटीज. आई एम सो सॉरी.